और अब बात करते हैं सीहोर की, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सपरिवार गृह ग्राम जैत पहुंचकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए ग्राम जैत के मतदान केंद्र में मतदान कर अपने मताधिकार का उपयोग किया। उल्लेखनीय है कि ग्राम जैत की पंचायत समरस पंचायत है। इस पंचायत के सभी पंच और सरपंच निर्विरोध चुने गए हैं। ग्राम जैत से बुधनी जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 13 से सदस्य का निर्वाचन भी निर्विरोध हुआ है। केवल जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 14 के उम्मीदवार के लिए मतदान हुआ। मुख्यमंत्री चौहान ने सपरिवार केवल जिला पंचायत सदस्य चुनाव के लिए मतदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने सभी मतदाताओं से जागरूकता के साथ ही मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदान लोकतंत्र की परंपरा में सबसे बड़ा दान है और सभी मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान की अपील करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी से अपने अपने शहरों और निकायों के विकास में सहयोग करने की बात कही। विराट 24 न्यूज के लिए सीहोर से पवन महेश्वरी की रिपोर्ट। गांव है, जन्मभूमि है, यहाँ के हमेशा खुशी होती है, अपने अपनों से सबसे मिलते हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि गांव ने मिलजुल के अपने सरपंच और सारे पंचों को चुना और पूरे ग्रामवासियों ने फैसला किया कि समरस पंचायत हमारी होगी और मिलजुल के हम अपने गाँव का विकास करेंगे, जो हितग्राही मूलक योजनाएँ हैं उनका लाभ सब तक पहुँचाएंगे। तो आदर्श गाँव है ये समरस पंचायत चुनी गई, कोई ग्राम सभा करके सम्मान समारोह कौन होगा? अभी मैंने सभी समरस पंचायतों को भोपाल बुला के उनका सम्मान किया था पुष्प वर्षा करके। अब अलग अलग गांव में भी जितना संभव है मैं या मेरे मंत्री जाने का प्रयास करेंगे और इन गांव में विकास जो ग्राम सभा तय करेगी और उस विकास के साथ साथ जन कल्याण की योजनाएँ हर पात्र हितग्राही तक पहुँच जाए, इसका पूरा इंतजाम हम करेंगे।